दुनिया की कोई भी शक्ति हनुमान जी के सामने टिक नहीं सकती है। धर्म धर्म श्रेया पर धर्म भयावहा, अपने धर्म में मरना श्रेयस करे। हमारा पहाड़ और ये देव भूमि और हमारे पहाड़ की रक्षा करे। हम गढ़वाली जी, हमारे गढ़वाली जी रक्षा करे। आपका शुभ नाम? आदित्य, आदित्य कनौजिया। कहाँ से हैं कनौजिया जी? मैं देहरादून से हूँ। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। किस में? हाँ जी, मैं सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स मार्केट में अपनी नौकरी छोड़ करके आए, तो वर्किंग डे है ये, पर ये ज़्यादा ज़रूरी था, कुछ टाइम भगवान के लिए भी निकालना पड़ता है। निकालना पड़ता है। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव लगा। अभी गुरु जी आएंगे तो उनके दर्शन देख के, दर्शन करके तो और अच्छा लगेगा। उनके भक्त हैं? भक्त बहुत बड़ा। आप बहन जी? मेरा नाम सरोज गौड़ है, मैं यहीं देहरादून से आ रखी हूँ और बागेश्वर धाम बाबा जी के दर्शन करने के लिए आ रखे हैं। अर्जी लगे तो भी अच्छा, ना लगे तो दर्शन हो जाए वो भी बहुत अच्छा। क्या करते हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ है, इससे अलावा कुछ करते हैं? हाँ ऐसे ही कभी कभार ये बीजेपी में उसमें काम करते हैं हम। बाकी और यहाँ पर आकर अच्छा लगा? यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। बहुत भीड़ है यहाँ पर? बहुत भीड़ है यहाँ पर, और जितने श्रद्धालु हैं शांतिपूर्वक बैठे रहे, मृदंग न बचाए। सबसे बड़ी तो हम लोगों के, हम गढ़वाली हैं इसलिए हमें तो ये होना चाहिए कि भाई व्यवस्था ठीक ठाक होनी चाहिए। ये देवभूमि है, ये देवभूमि है, उग्रवाद नहीं होना चाहिए, चोरी चपोरी नहीं होनी चाहिए, क्राइम नहीं होना चाहिए। बस सबसे बड़ी बात यही है। बागेश्वर धाम बाबा जी से भी यही प्रार्थना करते हैं कि देवभूमि की रक्षा करें। हमारा पहाड़ जो और ये देवभूमि है और हमारे पहाड़ की रक्षा करें। हम गढ़वाली जी, हमारे गढ़वाली जी रक्षा करें। आप कहाँ से हैं? देहरादून से ही हूँ मैं। क्या शुभ नाम है आपका? योगेश। क्या करते हैं योगेश जी? मैं जॉब करता हूँ। कहाँ पर? पोस्टल में। यहाँ पर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है। कब आए? मेरे को बहुत देर हो गई है, दो घंटे हो गए। दो घंटे हो गए। और अगर वो देर में आए तो बैठोगे? बैठूंगा, रात तक बैठूंगा जब तक वो यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर है बड़ी श्रद्धा है। क्यों श्रद्धा है? बस बालाजी की कृपा है। तो उम्मीद है कि 6 बजे तक आएंगे। कोई बात नहीं, वेट करेंगे, बैठे हैं आराम से। हम यहाँ तक पहुँच गए, इसी में बहुत खुशी है। हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं है कि हम यहाँ बैठे हैं। वो कितने बजे भी आएंगे वेट करेंगे, 11 बजे भी आएंगे, 11 बजे भी आएंगे तो भी वेट करेंगे। जब घर पूछेंगे तो कहाँ गए थे, फिर बात तो बताते भी कोई बात नहीं चलेगा। अभी नहीं पता चलना चाहिए, पहले कुछ नहीं होना चाहिए था ना। उनके दर्शन पहले हो जाए, गालियाँ बातें खा लेंगे। बड़ी श्रद्धा आपको बागेश्वर बाबा पर? मैं अनीता मल्होत्रा। कब से आई अनीता जी यहाँ पर? हो गए 2-3 घंटे हो गए, 3-4 घंटे और खड़ी रही मैं। और मैंने बागेश्वर धाम से प्रार्थना करी कि देखो मैं खड़ी और सबसे पीछे थी, मैंने मैं खड़ी भी नहीं हो सकती, ऐसी कृपा करो कि मुझे आगे स्थान मिल जाए। ऐसे एक आदमी आया, कह रहा आप अंदर चलो। अच्छा हाँ, आप आगे आओ, आगे गद्दे पीछे में वहाँ आके बैठ जाओ, ऐसी कृपा। हनुमान जी आए, हनुमान जी आए, पूरे हनुमान जी बन के आए वो। सही बात है, हमने उनका धन्यवाद भी किया। चलो मैंने इतना ही कहा, मैंने मैं तो खड़ी हूँ 3 घंटे से, और एक कह रहा यहाँ से हटो, दूसरा कह रहा यहाँ से हटो, मैंने हटने वाली मैं भी नहीं हूँ। साइड में खड़े हैं फिर भी लोग जो है ना, यहाँ कहाँ खड़े हो गए, यहाँ कहाँ खड़े हो गए। अरे भगवान का नाम लेने के लिए कम से कम यहाँ तो प्यार मोहब्बत रखो। लीला सुनी हुई है, मैं उनका पेज लाइक करती हूँ, रोज उनको देखती हूँ, और आज मैंने प्रत्यक्ष में देख लिया कि मैंने जैसे कहा, और एक लड़का आया कह रहा आप आओ मैं आपको अंदर आगे बिठा देता हूँ। कणकण में है, अगर बहुत देर में आए तो वो है बैठे रहिए, अब तो जितने मर्जी वर्जी आए, आप तो दर्शन के बिना नहीं जाएंगे। दर्शन करके चाहे यहाँ पर पूरी रात बैठ जाए। किसी ने कहा कि टीवी में जाके देख लो, लाइव आ रहा है। हमने कहा टीवी में तो हम रोज देखते हैं, रोज उनके
प्रवचन सुनते हैं, आज साक्षात मिलना चाहते हैं उनसे। चलिए अच्छा, धन्यवाद। जय श्री राम। आप कहाँ से हैं बहन जी? रेस कोर्स से आई हूँ। अच्छा, रेस कोर्स। आप भी बहुत देर से बैठी हैं? नहीं, मैं अभी आई हूँ, बस हमारे पास ना हम VIP हैं ना कुछ है, भगवान के दरबार पे आ गए। चलिए अच्छा, जय श्री राम। जय श्री राम। बंद कर। चूरन चटनी है आज से तुम्हारी, समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। दोनों हाथ उठा के बोलो जय सियाराम। अच्छा, आप एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? प्रत्येक का। अच्छा, प्रत्येक का कौन कौन चाहता है? तो हमारी तीन शर्तें हैं, पूछो गुरुजी क्या क्या। पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ो, हमारे चक्कर में ना पड़ो। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मदरा बंद करके महीने में दो महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देना। ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर देना। तीसरी शर्त, स्वधर्मेन धर्म श्रेया, अपने वीर बजरंग बली किसी भी मंदिर में जाना, जाकर के कह देना बस बहुत हो गया, हमने बहुत धक्के खा लिए, बहुत जगह भटक लिया, अब हमें नहीं जाना, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए हैं।